थी यहाँ पर इतनी बड़ी चट्टान मौजूद थी थर्मोकोल शीट्स की, और अब जो है यहाँ पर इनका नामो निशान भी नहीं रहा। और यहाँ पर अब आपको बता दूं एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे पास जो मेन रिजल्ट्स बचे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेट्रोल के अंदर कुछ इस तरीके की चीज। Today we are with another brand new video. तो क्या हाल चाल है आप सबके? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट कि भाई जो थर्मोकोल शीट होती है हम इसको कराते हैं पेट्रोल के साथ रिएक्ट, तो भाई साहब बहुत ही कमाल का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ये बता दो कि भाई ये थर्मोकोल शीट है क्या चीज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कैमरा में, ये होती है सिंपल हमारे पास में थर्मोकोल शीट, और ये हमें किसी भी मार्केट से इजिली मिल जाती है। और वैसे भी अगर हम बाजार जाके या मार्केट से कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदे तो हमें उसके साथ भी ये थर्मोकोल शीट पैकेजिंग में मिल जाती है। ये सिर्फ उसके साथ इसलिए यूज की जाती है उसकी पैकेजिंग में कि भाई को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज ना हो, तो हमें ये सिंपल कहीं से भी बाजार से इजीली मिल जाएगी। तो मुझे भी इसी तरीके का मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था, वो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं। सिंपल सा पीस था थर्मोकोल का जिसको मैंने कट कर करके कुछ इस तरीके के पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। चलो इस तरीके के बहुत से पीस है, इसके साथ करते हैं थोड़ी देर तक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं इसका मेन डेमो के भाई किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये रहा मेरे पास पेट्रोल और ये रहा थर्मोकोल का एक छोटा सा पीस, और जैसे ही मैं आप इस पीस को डालूंगा पेट्रोल में, और उसके बाद देखना आप लोग कमाल, और यहां पर आप देखना मेन मैजिक। मैं इसके हाथ ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आए, एंड गो। जैसे ही मैंने इसको पेट्रोल में डाला तो यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो गया, और देखो भाई साहब पेट्रोल ने किस तरीके से हमारी थर्मोकोल शीट को खा लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बस गाइस, और अभी कुछ देर पहले मेरे पास इतना बड़ा पीस था थर्मोकोल का, और वो कुछ ही सेकंड के अंदर इस पेट्रोल के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल गायब हो चुका है। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है पेट्रोल के ऊपर, ये थोड़ा सा उसका पीस। और यहाँ पर अभी तो हमें भी पता है कि हमारी पब्लिक को इतने से एक्सपेरिमेंट में मजा नहीं आया होगा, तो चलो फिर इसको जरा बड़े लेवल के ऊपर ट्राई करते हैं। सो गाइस, अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने इस तरीके से बहुत से पीस जो है इकट्ठे कर रखे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पीसेस मौजूद हैं जिनके साथ अभी हम अपना एक्सपेरिमेंट और अपना रिएक्शन यहाँ पर करवाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक प्लेट, और इसको मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ इसी थर्मोकोल के पीस की मदद से इसको यहाँ पर से मैं थोड़ी सी सपोर्ट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को भी वहां पर इजीली सब कुछ जो है नजर आता रहे। तो गाइस, वैसे तो एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, बट आप लोगों को मैं फिर भी यही बोलूंगा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, अगर भाई साहब पेट्रोल में लग गई आग तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो चलो एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो वैसे भी हम केमिकल्स के साथ यहाँ पर जो है अब डील करने वाले हैं, तो ग्लव्स जरूरी है भाई साहब। चलो मैं जल्दी से ग्लव्स भी पहन लेता हूँ। सो गाइस, अब जो हम अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल देता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पेट्रोल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैं इस प्लेट में पेट्रोल को डाल रहा हूँ, और उसके बाद गाइस सबसे पहले आपको इस एक पीस के साथ एक्सपेरिमेंट करके हम दिखा देते हैं। जैसे ही मैं इसको रखूंगा यहाँ पर गाइस, और आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब ये कितने जो है कमाल के तरीके से यहाँ पर से इसको खाना शुरू हो गई है। थर्मोकोल शीट्स पे एक साथ में, और फिर देखते हैं कि भाई कितना मजा आएगा इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने में। ये नहीं बहुत सी थर्मोकोल, और भाई इसके ऊपर मैं डालने वाला हूं पेट्रोल, और देखते हैं कि भाई साहब इसका क्या हाल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब इसने किस तरीके से पेट्रोल ने हमारी थर्मोकोल शीट को खा लिया। थोड़ा सा और पेट्रोल जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस बोतल में, और इसको जरा और एक्सट्रीम लेवल पे भाई साहब लेके चलते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या हाल हो गया?
अभी जो है हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ देर पहले यहाँ पर इतनी बड़ी चट्टान मौजूद थी थर्मोकोल शीट्स की और अब जो है यहाँ पर इनका नामो निशान भी नहीं रहा। और यहाँ पर अब आपको बता दूं एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमारे पास जो मेन रिजल्ट बचे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेट्रोल के अंदर कुछ इस तरीके की चीज आप बच गई है, स्लाइम टाइप है, ग्लू सी है कुछ। एक सेकंड इसको उठा के देखते हैं भाई साहब, इधर कुछ गाइस ये रही कोई चीज कुछ इस तरीके की है। सो गाइस अब एट द एंड रिजल्ट्स में हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज बची है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ स्लाइम टाइप चीज मेरे को लग रही है, बट ये स्लाइम है नहीं, ये मेन जो है थर्मोकोल का मेन मटेरियल है जो के सिंपल इतना सा मटेरियल था इतनी ज्यादा थर्मोकोल के अंदर। और एंड पे जो अब हमारे पास बचा है सिर्फ इतना सा मटेरियल जिसके अंदर हवा को फिल करके इतनी ज्यादा जो है थर्मोकोल बनाई गई थी। और यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो बिल्कुल इजीली। सो गाइस अभी तक तो यार ये बिल्कुल ठीक है, अभी तक देखो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, हाथों के साथ भी नहीं चिपक रहा, बिल्कुल ठीक ठाक है और यार मजा तो आ रहा है इसके साथ खेल के। बट गाइस यहाँ पर एक इशू है कि पेट्रोल जो है मेरे हाथों पे लग गया और बहुत ज्यादा वाली सर्दी लग रही है मेरे हाथों में, बहुत ठंड लग रही है यार उंगलियों के ऊपर। बहरहाल यार अपने जो रिजल्ट्स हैं ना देख के तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया आपको। अब आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही पेट्रोल इसके अंदर से खत्म होता गया तो ये गम की तरह मेरे हाथों पे चिपकने लग पड़ी है। यहाँ पर भी आप लोग इस चीज को देख सकते हो कि जैसे जब तक इसके अंदर मतलब पेट्रोल था ये बिल्कुल ये मेरे हाथों के साथ नहीं चिपक रही थी, मगर जैसे इसके अंदर से पेट्रोल खत्म हुआ तो ये हमारे हाथों के ऊपर चिपकने लग पड़ी है। तो यार भाई साहब ये क्या हो गया, इसको पेट्रोल के साथ उतार लेते हैं जल्दी से। एक्सपेरिमेंट तो यार काफी मजा कर रहा, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और खुदा हाफिज़।